नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्रिब्यूट सॉन्ग के बारे में जो कर्नाटका के एक्टर्स और वहां के क्रिकेटर्स लोगों ने मिलकर बनाया है। अब इस सॉन्ग में जो कुछ मैंने देखा उसके ऊपर मैं यहाँ पर रिएक्ट करूंगा, लेकिन साथ साथ इस सॉन्ग को लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही फैंस लोग के बीच में। अब वो कॉन्ट्रोवर्सी क्या है उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर सब्सक्राइब करना है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना और जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें मिलती रहती है। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिसका YouTube आईडी नेम है द शाइनिंग स्टार, उन्होंने कहा था। चलिए बात करते हैं सॉन्ग की। जैसे इस सॉन्ग की शुरुआत होती है आपको काफी इमोशनल फील होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ हमारे देश में तो जितने भी जो वर्कर्स है जो बेचारे घर नहीं जा पाए, तो जो उनकी सिचुएशन थी हमारे देश में वो कितनी बस से बदतर थी। स्टार्ट में जब उन लोगों की इमेजेस आपको देखने को मिलती है तो आपको काफी इमोशनल फील होता है, लेकिन जैसे ही सॉन्ग आगे बढ़ता है तो काफी आपको मोटिवेट भी होता है। वो मोटिवेशन कोरोना से जंग लड़ने की, और साथ साथ बहुत ही अच्छा मैसेज ये सॉन्ग देता है, वो ये है कि हम जितने भी इंडियंस हैं हम सबको मिलकर हमारे देश को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि आप हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है सिख ईसाई, कुछ नहीं, हम लोग सबसे पहले इंडियंस है। और अब ऐसी सिचुएशन में हमारा देश आ चुका जहां पर हमें कोरोना से तो जंग लड़ना है लेकिन साथ साथ हमारे देश की जो इकोनॉमी उसको भी मिलकर उठाना है, और हम लोग ऐसा करके रहेंगे, जो कि ये सॉन्ग हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताता है। और साथ साथ इस सॉन्ग में जितने भी एक्टर्स है, चाहे वो हमारे शिव राजकुमार सर हो, चाहे वो रियल स्टार उपेंद्र हो, चाहे चैलेंजिंग स्टार दर्शन हो, चाहे वो रॉकिंग स्टार यश हो, पावर स्टार पुनीत राजकुमार हो, या तो रक्षित शेट्टी हो, या तो फिर ध्रुव सरजा हो, क्रिकेटर्स लाइक राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले, जितने भी इसमें हमें एक्टर्स देखने को मिले उन सभी लोग का एक ही चीज कहना था, वो ये कि जो रियल हीरोज है वो हम लोग नहीं बल्कि हमारे फार्मर्स है, हमारे डॉक्टर है, हमारे सफाई कर्मी है, हमारी नर्सेस है, हमारे पुलिस वाले, हमारे साइंटिस्ट है, ये लोग हमारे रियल हीरो है। हम लोग सिर्फ पर्दे के हीरो है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे हीरो है, तो इसलिए हम लोग को इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वाकई में आरान एंटरटेनमेंट की तरफ से तो मैं इतना ही बोलूं कि सबको सैल्यूट है मेरी तरफ से। सॉन्ग में बताया जो ड्रोन शॉट है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, लिरिक्स इस सॉन्ग की बहुत अच्छी, और साथ साथ इसके जो सिंगर्स है बहुत ही कमाल का गाया उन्होंने। साथ साथ इस सॉन्ग में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जब तक एंटीडोट आता नहीं इस बीमारी का तब तक हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, हम लोग को मास्क पहनना पड़ेगा, हमको सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग खुद के साथ साथ दूसरे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उन सबकी जिंदगी बचा सके, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये सब तो था इस सॉन्ग से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं सॉन्ग से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्सी की, जो कि फैंस लोग के बीच में शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो आपको यहाँ पर सारे के सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक एक्टर जिसके बहुत ही करोड़ों फैंस है वो है किच्चा सुदीप सर, जो कि हमें इस सॉन्ग में नजर नहीं आते, जो कि मुझे पर्सनली अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सॉन्ग में क्यों नहीं है। अब उसके अलावा यहाँ पर अनंत राग सर, जो कि एक काफी वेटरन है हमारे KFI इंडस्ट्री के, वो भी हमें इस सॉन्ग में नजर नहीं आया, इसके पीछे का भी राज मुझे पता नहीं। उसके अलावा एक मेरा फेवरेट एक्टर है जो इस सॉन्ग में नजर नहीं आया, वो है अच्युत कुमार। KFI की मूवीज देखिए, उसमें एक इंसान कॉमन था वो था अच्युत कुमार, लेकिन यार मैं शॉक होगा कि वो बंदा इस सॉन्ग में क्यों नहीं है। खैर ये सब चीज में तो मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन बस जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है मैं उस पर अपना रिएक्शन दे रहा हूँ। तो यार मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके के ट्रिब्यूट सॉन्ग और बनना चाहिए, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो लोग कोरोना से जंग लड़ने के लिए और मोटिवेट हो, और जितने भी जो इस जंग में पीछे छूट चुके हमसे, आप लोगों से इतना बोलूंगी उनके लिए एटलीस्ट 2 मिनट का मौन अगर आप लोग चाहो तो रख सकते हो, या तो फिर आप जो भी भगवान अल्लाह जिससे भी आप दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली वालों को सबर मिले। क्योंकि मैंने जितने भी न्यूज देखा जितने भी वीडियोज देखा मुझे काफी इमोशनल फील हुआ, और हम लोग कर भी क्या सकते, कुछ छोटी बहुत हेल्प करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ के अलावा। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सिर्फ ये सोच के मत करना कि यहाँ पे सिर्फ कन्नड़ फिल्म या कन्नड़ मूवीज के बारे में मालूम पड़ता है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहूँ, तो यार बस आप लोग की दुआ रहेगी, आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन